कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनैत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि सुप्रिया सेनैत ने कहा कि देशद्रोही और देशभक्त होने में जमीन आसमान का अंतर है, रात दिन का अंतर है, विचारधाराओं का अंतर। देशद्रोही और देशभक्त होने में जमीन आसमान का अंतर है, रात दिन का अंतर है, विचारधाराओं का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है, सोच का अंतर है। एक देशभक्त कहता है दो दिन, मात्र दो दिन में इंडियन आर्मी शांति बहाल कर सकती है मणिपुर में, और देशद्रोही कहते हैं कि आर्मी से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत के उस दलदल में इतनी डूब चुकी है, उस कीचड़ से इतना सन चुकी है कि अब वो हमारी खिलाफत करने के लिए पहले देश को अपशब्द कह रहे थे, अब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा आर्मी से कुछ नहीं होगा। जिस आर्मी की आप बात कर रहे हैं ना हेमंत बिस्व शर्मा, उसके शौर्य और पराक्रम, उसके साहस, उसकी बहादुरी की वजह से हम और आप अपने घरों में शांति से सो पाते हैं। वो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। ये वो आर्मी है जब मन बना लेती है और नेतृत्व सही मिल जाता है तो पाकिस्तान के काट के दो टुकड़े कर देती है, विश्व का भूगोल बदल देती है। ये वो आर्मी है जो सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश के कितने सारे शांति की पहल वाले मिशन में कारगर भूमिका निभाती है। ये वो आर्मी है कि जब सब कुछ करके लोग थक हार जाते हैं तो आर्मी आती है और चीजें ठीक हो जाती हैं। जब दैवीय आपदा आती है, जब बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, जब भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो अंततो गत्वा इंडियन आर्मी आती है और लोगों को संकट से उबारती है। और इंडियन आर्मी को देखकर बड़े बड़ों के होश फाख्ता हो जाते हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाकर देखने की हैसियत करते हैं। और आर्मी को ही देखकर इस देश के लोगों में यह विश्वास जगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको लगता है इंडियन आर्मी एक हिंसक फोर्स है? इंडियन आर्मी की न्यायप्रियता, इंडियन आर्मी का जो कद है वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। इंडियन आर्मी से कुछ नहीं होगा ये कहने की आपकी हैसियत कहां से हुई? आपकी हिम्मत कहां से हुई? ये उन सब लोगों का अपमान है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी इस देश की सुरक्षा के लिए। ये उन माओ के कोख का, उनके दूध का अपमान है जिन्होंने अपने जावाज बेटों को खो दिया इस देश की रक्षा करते हुए। ये उन बूढ़ी आंखों से बहते हुए आंसुओं का अपमान है जिनके बेटे तिरंगे में लिपट कर घर लौटते हैं। आपकी हिम्मत हुई इंडियन आर्मी को कुछ नहीं हो सकता कहने की? कुछ नहीं कर सकती इंडियन आर्मी? राहुल जी ने ठीक कहा है, इंडियन आर्मी ही शांति बहाल कर सकती है, और अगर मोदी जी चाहें तो दो दिन के अंदर कर सकती है। इंडियन आर्मी कोई हिंसक इंडिसिप्लिन्ड फोर्स नहीं है। इंडियन आर्मी की मौजूदगी से चीजें सुधर जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि न्यायप्रियता में इंडियन आर्मी सबसे आगे है, सबको पता है शौर्य में इंडियन आर्मी सबसे आगे, और सबको पता है अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग में इंडियन आर्मी न्यायोचित फैसला लेती है। आप आर्मी पर सवाल उठाएंगे, उस यूनिफॉर्म पर सवाल उठाएंगे जिसको देखकर छोटा बच्चा एक सड़क पे और बुजुर्ग रुककर सलाम ठोकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। पर यह नया नहीं है भाजपा में, और हेमंत बिस्व शर्मा कोई पहले नहीं है। मोदी जी के चहेते बड़े हों, लेकिन यह पहल तो मोदी जी ने खुद 2013 में आर्मी को कमजोर बताकर करी थी। यह देशद्रोही है, यह देशद्रोह है। अगर आप देश प्रेमी होंगे तो आप अपनी सेना पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। सेना पर सवाल उठाने वाले, सेना के लिए यह कहने वाले कि उनसे कुछ नहीं होगा, देशद्रोही होते हैं। आप भारत माता की ना तो रक्षा कर सकते हैं ना उनके हितैषी हैं। आप भारत माता को समझते नहीं है क्योंकि आप भारतीय सेना का अपमान करते हैं।